राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से महज 70 किलोमीटर दूर एक ऐसा अभागा जिला बसता है जिसकी बहादुरी और शहादत के चर्चे का तो इतिहास गवाह है, लेकिन नंबर वन हरियाणा का नारा देने वाले सभी दलों के सफेद पोश नेता मेवात के लोगों के रेल के सपने को आजादी से लेकर आज तक हकीकत में नहीं बदल पाए। गुड़गांव जैसे विकसित जिले से 2005 में अलग जिला बनने वाला मेवात सूबे का 20वां जिला बना। इस जिले के हजारों लोग रेल देखे बिना ही दुनिया को अलविदा कह गए और कुछ लोग उम्र के आखिरी पड़ाव पर हैं। रेल को यहाँ के करीब 70% आबादी ने देखा तक नहीं है, उसमें सफर करना तो दूर की बात है। देश और प्रदेश तेजी से तरक्की कर रहा है। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सूबे के विकास को लेकर विदेश तक दौरे कर रहे हैं, लेकिन करीब 11 लाख की आबादी वाले मुस्लिम बहामूल्य जिले में रेल तो दूर, बसें भी लोगों को नसीब नहीं हो पा रही हैं। रेल अगर इस इलाके के लोगों को कई दशक पहले मिली होती तो दूध सब्जी इत्यादि का व्यापारी नहीं NCR के शहरों में नौकरी कर युवा मेवात के माथे से गुर्बत के कलंक को मिटा चुके होते। देश के सभी पार्टियों के हुक्मरानों से मेवात के लोग बजट के समय बड़ी उम्मीदें रेल को लेकर करते हैं, लेकिन चुनावों के समय हर बार रेल की सीटी बजाने का वायदा करने वाले इसे भूल जाते हैं। मौजूदा सांसद केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने पहले कांग्रेस और अब भाजपा में रहते इस मामले को बात तो सांसद से लेकर आला नेताओं के समय में उठाया, लेकिन कामयाबी कभी नहीं मिली। मेवात के लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि रेल बजट के दौरान सरकार उन पर मेहरबानी दिखाए, लेकिन मुल्क की तरक्की के नजदीक से इस इलाके को लोग भी गवाह बन चुके हैं। मेवात के लोग आज भी परिवहन के साधनों का रोना रो रहे हैं। रेल तो दूर, लग्जरी बसों तक सरकार इस इलाके के लोगों को मुहैया नहीं करा पाई है। आप देखें लियाकत अली पत्रकार की रिपोर्ट। बिल्कुल मायूसी की बात है, क्योंकि जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है मेवात एक रेल की सीटी बजने के लिए इंतजार कर रहे हैं। बंसल साहब से मिलकर जो उस वक्त मंत्री थे, ये रेल का सेंक्शन बजट कराया था, लेकिन अब फिर वो मंत्री हैं और इस सरकार के मंत्री हैं केंद्रीय सरकार में। तो अगर उस वक्त के मंत्री और इस वक्त के मंत्री होते हुए और उनकी सरकार होते हुए आज भी अगर यहाँ पर रेल की सीटी नहीं सुनाई देती तो मैं समझता हूँ कि मेवात के लोगों के साथ धोखा है, छलावा है, और इस बात से मायूसी छाई हुई है। इसके लिए लोग लाभमंद होंगे। सामाजिक संगठन जितने भी हैं तमाम इसका विरोध करेंगे और आगे रणनीति तय करेंगे कि वो किस तरह से सरकारों के खिलाफ उनसे बातचीत करेंगे और क्यों मेवात को की उपेक्षा की जा रही है इसके ऊपर जो है बात रखेंगे। मेवात एक कृषि प्रधान क्षेत्र है और जिस तरह से अलवर से और गुड़गांव और दिल्ली होते हुए एक रेल का ट्रैक अगर डल जाए तो यहाँ गरीब लोग हैं, अपना दूध, अपनी फसल, अपनी सब्जियाँ दिल्ली, अलवर, जयपुर बेच सकते हैं, तो उनके लिए एक आमदनी का जरिया बन सकता है। लोग इतना सफ़र करते हैं, अगर इस तरह से रेल लाइन यहाँ डल जाती है तो लोगों के लिए व्यवसाय, दूध और सब्जी, अनाज बेचने के रास्ते खुल जाएंगे, बड़ा यहाँ के लोगों को फायदा होगा। मैं लियाकत अली पत्रकार, मेवात जिले का नंबर वन चैनल में आपका स्वागत है। मुझे इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी अपने क्षेत्र की खबर हमारे यूट्यूब चैनल पर चलवाना चाहते हैं तो अपने मोबाइल नंबर से अपने गांव के विद्यालय, सड़क, अस्पताल, बिजली, पानी, गंदगी, रास्ते खराब, झगड़े की लाइव वीडियो के अलावा कोई भी समस्या से परेशान है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 80530-25663 पर 10 सेकंड का 6 वीडियो हमें भेजें और उस खबर को हमारी कोशिश प्रशासन सरकार तक पहुंचाने की रहेगी ताकि प्रशासन आपकी समस्या पर संज्ञान ले सके। हम दिखाते हैं सच का आईना, रोजाना दमदार खबरें। देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें।